अभी अली इतना रहीस एक सौदागर बन गया, एक बिजनेसमैन बोल सकते हैं इसको, और बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है मेरे पास। आप मेरी कॉस्ट्यूम देख सकते हैं, और मेरी कॉस्ट्यूम मुझे बहुत अच्छी लगी है। सेट पे सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत ही एक एक डिटेलिंग के साथ इस कॉस्ट्यूम को बनाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, एक एक ये जो लाइन दी गई है और ये सब पट्टी जो दी गई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और सबको बहुत पसंद आ रहा है। अमीरों वाली गली में एंटर कर रहा हूँ तो मुझे खुद लग रहा है कि मैं प्रिंस हूँ। एंड सेकेंड, मेरी हेयर स्टाइल आप देखिए, थोड़ा मैंने नया ट्राई किया है। ये है प्रिंस अली की हेयर स्टाइल, मस्त छोटी वोटी के साथ, और सब बहुत यूनिक हेयर स्टाइल है, बहुत यूनिक लुक है ये। आई होप इसको अवार्ड मिले। अली तो हूँ ही मैं, बट प्रिंस अली में बना, आपने देखा होगा कि मुझे पोटली मिलती है, खजाना मिलते हैं, 3 जिन मिलते हैं, तो नो डाउट अब मेरा अमीर बनना तो जायज़ है। तो मैं बोलता हूँ कि अब इतना पैसा लेके जाएंगे पूरा बगदाद हमें दिखेगा। तो मैं बगदाद आता हूँ तो मैं पार्टी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो मैं डायरेक्ट महल के अंदर, और मैं डायरेक्ट वज़ीर आलों को इन्विटेशन देता हूँ कि तुम मेरे से मुझसे मिलने आओ, और उसने आना ही पड़ेगा मुझसे मिलने, क्योंकि मैं इतना पैसे वाला हूँ। तो मैं इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करता हूँ कि पूरे बगदाद के लोगों को मैं उनकी पार्टी में बुलाता हूँ, हर एक बगदाद के बंदे को। तो कोई भी आएगा कि अरे इतना बड़ा आदमी कौन आ गया, और वो आता है, सब लोग उधर चले जाते हैं और इनकी पार्टी में सब एकदम एम्प्टी खाली, तो गुस्सा के मेरे पास आते हैं और ये आके देखते हैं और मुझे डर जाता है। पहले अलादीन हो वो कैसा था कि वो हमेशा दबा रहता था, डर के रहता था कि अरे जफर है, मार देगा, कोई भी मुझे मार देगा, तो वो अपने ही क्लेवर से ही क्लेवरनेस थी उसके अंदर, लेकिन तब भी दबा हुआ था और बच्चा था। बट अली ऐसा नहीं है, अली ऐसा है कि मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा, तो लाइन भी ऐसी, अली रोकता भी अच्छा और ठोकता भी अच्छा है। तो अभी अली भी जफर के बराबर का है, तो अभी टशन में ना बहुत मज़ा आने वाला है। एक दूसरे का जो टशनबाजी होगी अब शो में, जफर मेन विलेन मेन हीरो की जो फाइट होगी या फिर जो टशनबाजी होगी ना, वो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। बिकॉज जो जफर है हमारे आमिर सर, ही इज़ वेरी गुड फैंटास्टिक एक्टर, तो उनके साथ करने में बहुत मज़ा आता है। वो मुझे फर्स्ट टाइम देखते हैं तो नो डाउट उन्होंने मुझे मार दिया था, इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, तो वो ही इज़ लाइक शेल शॉक्ड, ही वॉज वेरी शॉक्ड कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, एंड ही इज़ लाइक कि मैं जानता हूँ तुम कौन है, मतलब क्या कर रहे हो जफर, आप मैं वो नहीं हूँ आप जो सोच रहे हो, अगर यकीन है चलो साबित करा देते हैं। तो बोलता हूँ चलो जहाँ तुमने अलादीन को दफनाया था ना, वहाँ चलो, अगर वहाँ पे अलादीन की हड्डी हुई तो मैं सच्चा, नहीं हुई तो मैं झूठा। तब देखते हैं कि वहाँ पे अलादीन की हड्डी होती है नहीं होती।